हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्माइल 3.0 क्लास 11 हिंदी अनिवार्य त्रिलोचन का फुल सोल्यूशन। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट टाइम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक एक क्या दिया हुआ। प्रश्न क्रमांक एक दिया हुआ है, त्रिलोचन हिंदी साहित्य में किस काव्यधारा से संबंधित है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, त्रिलोचन की कुल दो रचनाएं बताइए। तो इनके आंसर आपको फ्रेंड्स नीचे देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ, चंपा को अचरज कब होता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया, चौथा दिया हुआ है, चंपा किसकी लड़की है और क्या करती है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँचवा दिया हुआ है, कवि ने चंपा की कैसी छवि रची। चलिए फ्रेंड्स, इन सारे क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, कवि त्रिलोचन को हिंदी साहित्य की प्रगतिशील काव्यधारा का प्रमुख हस्ताक्षर माना जाता है। वे आधुनिक हिंदी कविता की प्रगतिशील त्रयी के तीन स्तंभों में से एक थे। ये हो गया प्रश्न क्रमांक एक का आंसर। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर। प्रश्न क्रमांक दूसरे के आंसर दिया हुआ है, उनकी मुख्य रचनाओं में धरती, गुलाब और बुलबुल, दिनगत ताप के ताए हुए दिन, शब्द उस जनपद का कवि हूँ, अरघान तुम्हें सौंपता हूँ, चैती शामिल हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, चंपा को पहले कवि द्वारा ही यह ज्ञान दिया गया था कि गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं, दूसरी तरफ कवि का दिन भर लिखते पढ़ते रहना चंपा को अजीब सा काम लगता है, या यह भी कहा जा सकता है कि उसे बुरा लगता है, बेकार काम लगता है, इसीलिए उसे विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा जैसे अच्छे इंसान पढ़ने लिखने की बात कह सकते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर दिया हुआ है, मेरे विचार में चंपा एक ग्रामीण लड़की है जो दिन भर प्रकृति की गोद में पशु चराने का काम करती है, स्वभाव से नटखट है और कवि को दिन भर बैठकर लिखते पढ़ते देखती है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर पाँचवें का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवें का आंसर दिया हुआ फ्रेंड्स, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती कविता ने में कवि ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव की एक भोली भाली अनपढ़ लड़की का चित्रण किया है। चंपा ने अक्षर है जो वह पढ़ने लिखने को व्यर्थ समझती है, अक्षरों के लिए कवि काले काले विशेषण का प्रयोग करके शिक्षा व्यवस्था की कलाई खोलता है। तो दोस्तों, ये थे प्रश्न क्रमांक एक से पाँच तक के प्रश्नों के उत्तर। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करिए www.upbod.live, तो वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट का फुल सोल्यूशन मिल जाएगा और आप PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको क्लास 11 हिंदी का फुल सोल्यूशन बता दिया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें, जिससे उनकी भी मदद हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।